सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। हर आपदा बिपता की स्थिति में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी लगातार सुर्खियों में रही है। खास तौर पर यदि बात की जाए पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव हमेशा सामाजिक भावना से जुड़े हुए रहते हैं। बाढ़ के समय खुद से पानी में जाकर लोगों को खाना और पानी मुहैया कराने का काम किया। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे उस समय जब पूरा पटना बाढ़ से प्रभावित था, उस समय पप्पू यादव एवं जन अधिकार पार्टी की पूरी टीम मिलकर तमाम असहाय पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने का काम की। इस वक्त जन अधिकार पार्टी जहां वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कहर बनकर पूरे देश में मंडरा रहा है, इस विकट परिस्थिति में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी आखिर क्या कर रही है, इसके बारे में जब हमारे संवाददाता ने शाहपुर विधानसभा के जन अधिकार पार्टी के कर्मठ सिपाही धनंजय मिश्रा से बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि जैसे कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी में जितने भी नेता हैं वो सब दुबक गए। जब जब कोई महामारी आता है बिहार में, सभी लोग अपने अपने घर में छिप जाते हैं। उस समय में पप्पू यादव जी दिल्ली में कोरोना महामारी हो या बाढ़ हो या चुमकी बुखार हो, सब में आगे रहते हैं। हम लोग का पार्टी के एक ही लक्ष्य है कि इस बिहार से अपराध और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, हमारे पार्टी का एक ही लक्ष्य है। अच्छा, जानना चाहेंगे श्री मिश्रा जी, अभी चूंकि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी काफ़ी जबरदस्त तरीके से पूरे देश में त्राहिमा मचाई है, इस वक्त जो अभी लॉकडाउन अनलॉक हुआ है, तो इस पर आप क्या विचार रखना चाहेंगे, ये सही है या फिर अभी कुछ दिन और लॉकडाउन चलना चाहिए था, क्या बताना चाहेंगे? लॉकडाउन कुछ दिन और चलना चाहिए था, इसलिए कि जब देश में 100 के संख्या में कोरोना वायरस का वृद्धि दर था, उस समय पूरे देश को बिना सूचना का लॉकडाउन कर दिया गया। आज 2,40,000 के आसपास में कोरोना वायरस है, इस समय देश को खोल दिया गया, तो हमें तो लगता है कि इससे पूरे आम वर्ग को नुकसान ही होगा, इससे फायदा होने वाला नहीं। जानना चाहेंगे क्योंकि तमाम दर्शक आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त जन अधिकार पार्टी जब बाढ़ ग्रसित पटना बाढ़ क्षेत्र में डूबा हुआ था, बाढ़ के समय में डूबा हुआ था, उस समय पप्पू यादव जी का अच्छी सराहनीय भूमिका रही है। इस समय कोरोना संकट जब पूरे देश में त्राहिमाम किया है, अभी चूंकि एक युवा है, एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में आपको जाना जाता है, आप अपने पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे आम आवाम गरीबों के लिए आपने क्या किया, क्या बताना चाहेंगे? कोरोना वायरस में जब पूरे प्रवासी मजदूर वापस आने लगे, हमारे पार्टी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा राशन वितरण से लेकर, मास्क वितरण से लेकर, साबुन वितरण से सैनिटाइजर वितरण, दवा का छिड़काव सब हमारे क्षेत्र में कराया गया जहाँ तक संभव हो सका। यहाँ पर पूरे सरकार फेल है आज के डेट में। इस वक्त सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है आम वाम में या जो भी यहाँ के जो भी विधानसभा में, शाहपुर विधानसभा की बात की जाए, कि धनंजय मिश्रा जी फिर से उभर के सामने आ रहे हैं, एक युवा नेता के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। अभी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जन अधिकार पार्टी की तरफ से शायद विधानसभा के नेतृत्व भी करेंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं, कहां तक सच्चाई है, क्या बताना चाहेंगे? ये तो पार्टी फैसला करेगी कि चुनाव यहां से जन अधिकार पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा, लेकिन जो भी कैंडिडेट यहां पर जन अधिकार पार्टी के होंगे, हमारा तन मन और धन तीनों उनके साथ में रहेंगे। श्री मिश्रा जी, जानना चाहेंगे, संयोग से ईश्वर ने चाहा, यदि जन अधिकार पार्टी ने आपको टिकट दिया और आप चुनावी मैदान में आए, तो सबसे पहले आपका मुद्दा क्या होगा, क्या करना चाहेंगे आप? हमारा जो ब्लॉक है शाहपुर ब्लॉक जी, ये भ्रष्ट हो चुका है, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहे हैं शाहपुर ब्लॉक में। शौचालय निर्माण हो, आवास निर्माण हो, या आम किसान वर्ग अपने खेत के रसीद कटवाने जाए, इसमें भी बिना चढ़ावा दिए हुए शाहपुर ब्लॉक में कोई काम नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। ये शाहपुर दो परिवारों के बीच में बंट कर रह चुका है, कोई 40 साल राज किया, कोई 10 साल राज किया, लेकिन आज तक शाहपुर के विकास के नाम पर यहाँ पर ना अच्छा शौचालय है, ना अच्छा स्कूल है, शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों चौपट है।
आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।